What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 26 दिसंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:05 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है आज, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। स्टॉक में भी काफी वोलेटाइलिटी देखने को मिल सकती है, खास करके एफएनओ स्क्रिप्ट्स में। तो आज तो जैसे कि मंडे और ट्यूसडे हमने देखा था एक साइडवेज पैटर्न निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा था, तो आज भी एक काफी वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स में। तो आज के लिए निफ्टी के क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार, यूरोप बंद थे क्रिसमस के वजह से, वहां पर छुट्टी थी, और आज जब एशियाई मार्केट्स ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी, जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत है। लास्ट टू डेज से भी देख रहे हैं हम एक फ्लैट मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि एफआईआईस क्रिसमस के वजह से काफी वैकेशन पीरियड होता है, तो वहां पर एक एफआईआई का जो मोमेंटम है वो हमें स्लो दिखाई देता है। तो डीआईआईस के ऊपर ये मार्केट इस समय फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अभी नए हाईस क्रिएट कर रहा है, लेकिन जैसे ही नए हाईस को ये छू लेता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वीकली चार्ट है। अभी नए लेवल्स क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं, उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल अभी 12,240 के पास ही ये लगभग ये ट्रेड हो रहा है, 12,250 टू 12,300। तो इस लेवल के जैसे ही ऊपर ये क्रॉस करेगा तो हमारा 50% का नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि अराउंड 12,366 के पास है। ये लॉन्गर टाइम पीरियड है वीकली चार्ट, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजिशंस के लिए क्या आने वाले समय में टारगेट्स होंगे इसके लिए यहाँ पर ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में काफी बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस के ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था यहाँ पर, नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम ये जबरदस्त अपसाइड रैली यहाँ पर देख रहे हैं। तो एज पर वीकली चार्ट काफी स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। उससे पहले डेली चार्ट भी देख लेते हैं। यह डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अभी वीकली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लोज अलग बन रहे थे, अभी यहां पर डेली चार्ट में भी स्विंग हाई लो अलग बन रहे। ये यहां पर लास्ट स्विंग हाईज बने थे, स्विंग हाई लो। तो यहां पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को अगर ड्रॉ करें, ये यहां से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, तो ये लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के अगर हम ये ड्रॉ करें तो इसका 100% का लेवल अचीव हुआ था और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर और एक लेवल हम ऐड कर देते 123.6 का। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 12,272 के पास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, और यहाँ पर अभी ये इवनिंग स्टार दोजी कैंडल जैसा फॉर्मेशन लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया। हालांकि इसने लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाया और उसके बाद अभी लास्ट ट्यूसडे यहाँ पर एक स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक करेक्शन और गहराता हुआ हमें नजर आए। तो अगर 12,180 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें और करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी एक महीने के बाद बजट है, तो हो सकता है बजट के पहले यहाँ पर एक पॉजिटिव रैली हो, जो गवर्नमेंट बजट में खासकर इंडस्ट्री के लिए कुछ नए पॉइंट्स अगर बजट में लाती है तो यहाँ से एक प्री बजट मार्केट में अपसाइड रैली देखने को हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी बुलिश बना हुआ है, हालांकि हर एक नए लेवल्स के पास हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर है डेली और वीकली चार्ट का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे आज के लिए। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हुआ है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मिड टर्म मूविंग एवरेज। अगर ये ट्यूसडे का लो अगर ब्रेक करता है तो इसके तुरंत नीचे यहाँ पर ये 50 EMA का ब्लू लाइन है जो कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है, उसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो अगर ये ट्यूसडे का अगर ये लो है यानी 12,200 इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हम इसे मार्क कर देते हैं एज ब्रेक डाउन लेवल, ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल। ये होगा हमारा ब्रेक डाउन लेवल, इसे हम स्टाइल चेंज कर देते हैं, डॉटेड लाइन कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं रेड। तो ये होगा हमारा ब्रेक डाउन लेवल। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो ये जो 20 EMA बाद में पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है, उसके बाद में R1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल, ये काफी हर्डल्स हैं ऊपर जाते वक्त। तो R1 का लेवल जो है 12,264 अगर इसे कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बीच में काफी सारे हर्डल्स है कहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से ये टर्न कर सकता है, ये कहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसे हम ब्रेक आउट लेवल मार्क कर देंगे, ये हमारा हो गया ब्रेक आउट लेवल, इसका अभी स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल और ये ब्रेक डाउन लेवल, और इसे अगर ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक डाउन लेवल को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि अराउंड 12,183 के पास है, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर हमारा अराउंड 12,163, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और हमारा ब्रेकआउट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 12,276, ये एक छोटा सा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,292 जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल है। ठीक है, तो ये है हमारे इंट्राडे लेवल्स आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।